दुर्ग शहर में इन दिनों स्ट्रीट पोल में होर्डिंग्स बोर्ड का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं 2 किलोमीटर के दायरे में 20 यूनिपोल और होर्डिंग्स को लगाने की अनुमति दी गई है। नेहरू नगर चौक से मिनी माता चौक तक जीई मार्ग को करीब 8 किलोमीटर तक चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 68 करोड़ 16 लाख की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर 2020 में इस काम के लिए भूमि पूजन भी किया था। फिलहाल सड़क के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण पर तो है। सड़क के दोनों किनारों का चौड़ीकरण कर नए सिरे से डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। इस डिवाइडर पर मालवीय नगर से गंजपारा चौक तक करीब 2 किलोमीटर में 20 भारी भरकम यूनिपोल में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी गई है। वही ठेका कंपनी द्वारा प्रत्येक यूनिपोल में दोनों ओर से दिखाई देने वाले भारी भरकम होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम की आमदनी का जरिया बनने वाला ये बोर्ड अब सिर्फ जनप्रतिनिधियों के प्रचार प्रसार के लिए ही उपयोगी सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि शहर में तने और अत्यधिक संख्या में लगे होर्डिंग बोर्ड से लगातार व्यवस्थाओं पर विपरीत असर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार लोगों की सहूलियत के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जीई रोड का चौड़ीकरण कर दुर्घटनाओं और जान माल की क्षति रोकने प्रयास तो कर रही है, तो वहीं इसके ठीक विपरीत अभी जीई रोड का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और नगर निगम ने मार्ग के बीच डिवाइडरों में यूनिपोल के सहारे भारी भरकम और खतरनाक होर्डिंग्स लगवाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 2 किलोमीटर में 20 यूनिपोल में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दे दी गई है। इनमें से दर्जन भर से ज्यादा होर्डिंग्स अभी से तन कर तैयार खड़े हैं। सर होल्डिंग का शहर हो गए हैं। दुर्ग के विधायक अरुण मोरा जी और यहाँ के महापौर केवल अपने प्रचार के लिए जगह जगह बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा दिए हैं और ये बड़ा दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगाने के चक्कर में ऐसा बड़ा बड़ा यूनिपोल टांग दिया है जिसमें कोई संदेशात्मक बातें नहीं है बल्कि उनकी अपनी पब्लिसिटी है। और आए दिन हम देख रहे हैं इसमें केवल कांग्रेसियों का प्रचार प्रसार दिख रहे हैं और इसके दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। कई तूफान में होल्डिंग उखड़कर रास्ते में गिर रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कहीं भी बेतरतीब ढंग से सड़क को इतना ख़राब कर दिया है इन लोगों ने कि ऐसा लगता है कि ये होल्डिंग का शहर है। शहर ना व्यवस्थित है ना कोई इनकी कोई प्लानिंग है, पूरी तरह से होल्डिंग से शहर पटा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पोस्टर दिखता है, लोग बेहद परेशान हैं। ना ट्रैफिक की व्यवस्था है ना यातायात की व्यवस्था है, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की है। दुर्ग शहर में विधायक अरुण वोरा की पब्लिसिटी के चक्कर में पूरी शहर का सत्यानाश हो गया है। आने वाले शहर समय में दुर्ग शहर की जनता ही इसका हिसाब लेगी। देखिए नगर निगम दुर्ग शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की कड़ी में नगर निगम दुर्ग के नगर निगम के कमिश्नर महापौर द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तारतम्य में हमने जी रोड में जितने भी पोल लगे हैं उसमें लॉलीपॉप लगाने का काम किया गया है। पहले आप देखते थे बेतरतीब तरीके से किसी भी विज्ञापन या बोर्ड है वो कटआउट वगैरह उसमें लगते थे जो बहुत अलग ढंग से और गंदे तरीके से दिखते थे। आज हमने उसको लगा के बहुत उसका स्वरूप पूरा चेंज किया है और शहर एकदम सुंदर दिख रहा है। और इसलिए ही उसको लगाने का उद्देश्य मेन उद्देश्य वही है कि शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बना रहे। और अभी जी रोड जैसे डामरीकरण हो रहा है और डिवाइडर में जो आपका पेंटिंग और ये सब हो रहा है उसके बाद वो जब वहाँ पे एक फिक्स लॉलीपॉप दिख रहा है एडवर्टाइज बोर्ड तो उसको और उसमें 4 चांद लग रहे हैं। नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, दुर्घटना की संभावना तो बन नहीं सकती क्योंकि पहले भी 2 लगते थे जो बेतरतीब तरीके से लगते थे वो भी तो शहर को गंदा बना रहे थे। आज उसको हमने सही तरीके से बनाया है तो दुर्घटना का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, और वो जब से लगा है तब से कोई दुर्घटना हुई भी नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।